दूसरा आसन हस्त उत्तनासन है, जिसमें हम श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाते हैं। इस आसन से संबंधित मंत्र है ओम लोये नमः। इसके बाद हम हस्तपाद आसन करते हैं और इसके लिए मंत्र है ओम सूर्याय नमः। अगला आसन आता है अश्व संचालन आसन, जिसके लिए ओम भानवे नमः यह मंत्र कहा जाता है। इसके बाद हम दंडासन करते हैं, जिसके साथ हम इस मंत्र को पढ़ते हैं ओम खगाय नमः। और फिर हम ओम कृष्णाय नमः जप करते समय अष्टांग नमस्कार करते हैं। फिर भुजंग आसन आता है और इसके लिए मंत्र है ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आठवां आसन पर्वत आसन के नाम से जाना जाता है और इसे करते समय हमें इस मंत्र का जप करना चाहिए ओम मरीचय नमः। इसके बाद फिर अश्व संचालन आसन आता है और इस बार हमें इस मंत्र को पढ़ना चाहिए ओम आदित्याय नमः। फिर हम फिर से हस्तपाद आसन करते हैं, जिसके लिए हम ओम सवित्रे नमः का जाप करते हैं। हस्त उत्थान आसन सूर्य नमस्कार में 11वां आसन है और इसके लिए हमें ओम अर्काय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य नमस्कार का अंतिम आसन है ताड़ासन और यह आसन करते समय ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए।